ये ऑप्शनल का क्वेश्चन दिव्या आपने पूछा था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी. इसको माइक्रोस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. वैसे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा. पहले जनरल फॉर्म में डालेंगे इक्वेशन को, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर गया, माइनस वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. तो एक्स अपोन ये वाला और ये वाला लेना है, बी इसका कोफिशिएंट लेने हैं, बी ए माइनस सी माइनस वन प्लस सी ब्रैकेट में रखना है ताकि गलती ना हो, इक्वल टू वाई. फिर इसको नहीं लेना है, सी वन और सी और ए वालों को लेना है, सी वन सी टू और ए वन ए टू को लेना है. वाई अपॉन माइनस सी माइनस वन प्लस सी ए एंड बी इक्वल टू, ये इसको छुपाना है, इसको छुपाना है, फिर ए और बी, ए और बी एंड बी और माइनस सी. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, बी से माइनस वन प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस ए सी इंटू माइनस यहाँ पे फॉर्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू वाई. इसको इससे करेंगे, माइनस बी सी आएगा, फिर माइनस वन प्लस सी इंटू ए माइनस, इस फॉर्मूले के माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए वन प्लस सी. देन इसको करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में आता है बी इंटू बी बी स्क्वायर. ठीक है, ये इसको कैलकुलेशन करके लिखा हमने, खोल दिया इसको, माइनस बी माइनस बी सी प्लस ए सी, इसको भी आगे खोल दिया, ए ए सी, और ये कॉपी कर लिया सी. एक्स अपॉन दिस इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे. ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे. ए सी को पहले, ए सी को पॉजिटिव है इसलिए थोड़ा इजी करने के लिए पहले लिख लेंगे, ए सी माइनस बी सी माइनस बी, यहाँ से इधर ले गए हम क्वेश्चन को, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी कॉमन निकाल लिया, ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू, वाई अपॉन दिस इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया. इसको फिर से इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ए सी पॉजिटिव है इसलिए आगे लिख लिया इजी रहने के लिए, माइनस बी सी प्लस ए, सी को कॉमन ले लिया, ए माइनस बी प्लस सी अपॉन सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू आई, ये एक्स की वैल्यू आई, मेरा ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सही आ जाएगी.